बेंच पर बैठे बैठे ही बर्बाद हो जाएगा टैलेंट, इस खिलाड़ी के साथ आखिर हो क्या रहा है। पिछले दो सालों से मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा, लेकिन आज तक नहीं मिला मौका। पहले मैच में डेब्यू की लगाई थी आस, कप्तान रोहित शर्मा ने अरमानों पर फेर दिया पानी। रणजी में जड़ चुका है शतक, महान क्रिकेटर का बेटा है ये खिलाड़ी, फिर अनदेखी क्यों। टैलेंट किसी जुगाड़ या सिफारिश की मोहताज नहीं होती, अगर आप में काबिलियत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं और हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जिसे आप चाहते हैं। लेकिन अगर आप में टैलेंट नहीं और आप सिर्फ सिफारिश के भरोसे किसी चीज को पाना चाहते हैं तो मुश्किल है। आप उस चीज तक पहुंच जाएंगे लेकिन उसे हासिल नहीं कर पाएंगे। आईपीएल की शुरुआत हो चुकी है, मुंबई इंडियंस अपना पहला मुकाबला हार चुकी है। मुंबई इंडियंस में एक ऐसा खिलाड़ी है जिसे पहले मैच में डेब्यू करने की आस थी, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने उसे पहले मैच में नहीं खिलाया। अब उम्मीद लगाई जा रही कि दूसरे मैच में शायद ही उसे मौका मिले। खिलाड़ी एक महान क्रिकेटर का बेटा है, लेकिन फिर भी डेब्यू का मौका नहीं मिल पा रहा। अर्जुन तेंदुलकर ने रणजी ट्रॉफी में सचिन तेंदुलकर यानी पिता की टीम मुंबई के लिए डेब्यू के लिए लंबा इंतजार किया। बात बनते नहीं देख गोवा का रुख किया, डेब्यू मैच की पहली पारी में सेंचुरी जड़ते हुए अपने पिता के रिकॉर्ड की बराबरी की। अब इंडियन प्रीमियर लीग में भी कुछ वैसा ही होता दिख रहा है। तीन सीजन से वो टीम का हिस्सा है लेकिन अपने पहले मैच का इंतजार कर रहे हैं। टीम ने सीजन के अपने ओपनिंग मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ भी अर्जुन तेंदुलकर को मौका नहीं दिया। कप्तान रोहित शर्मा की टीम में तीन लिस्ट ए मैचों में तीन विकेट लेने वाले अरशद खान थे, नेहल वढ़ेरा और ऋतिक शौकीन को जगह मिली, लेकिन अर्जुन इंपैक्ट प्लेयर के लिए जारी प्लेयर्स की लिस्ट में भी जगह नहीं बना सके। ये फैंस के लिए थोड़ा अजीब रहा। इसमें कोई शक नहीं कि अर्जुन स्टार पिता के बेटे हैं, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अहमदाबाद टेस्ट में भारत के खिलाफ वनडे अंदाज में सेंचुरी जड़ने वाले कैमरन ग्रीन कब आए और कब चले गए पता ही नहीं चला। उन्होंने चार गेंदों का सामना किया जबकि पांच रन बनाए। 17 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि में टीम से जुड़े ग्रीन का हाल देखकर सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे कि ग्रीन के पांच रन ठीक हैं तो अर्जुन में क्या कमी है। सोशल मीडिया पर अर्जुन को टीम में शामिल नहीं करने को लेकर फैंस इसे महान सचिन की रेस्पेक्ट से जोड़कर देख रहे हैं। कुछ का तो मानना है कि जिस तरह अर्जुन ने मुंबई रणजी टीम को छोड़ा है, वैसे ही उन्हें मुंबई इंडियंस को भी छोड़ देना चाहिए। वैसे अगर ऐसा होता है तो हैरान करने वाला नहीं होगा। पिछले दो सीजन में बेंच पर बैठकर धैर्य की परीक्षा देने वाले अर्जुन तेंदुलकर को लेकर मुंबई इंडियंस का प्लान क्या है, इस बारे में तो कप्तान रोहित शर्मा और कोच मार्क बाउचर ही बता सकते हैं, लेकिन हर कोई उन्हें अगले मैच में खेलते देखना चाहता है। हालांकि मुंबई इंडियंस का मूड ऐसा दिख नहीं रहा कि अर्जुन को मौका मिलेगा। अगर वो एक और मैच बेंच पर बैठकर बिताए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। इस बारे में जब कप्तान रोहित शर्मा और कोच मार्क बाउचर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अर्जुन ने बॉलिंग में अच्छा किया, उन्हें बॉलिंग के तौर पर टीम में मौका दिया जा सकता है। बता दें कि अर्जुन पिता की तरह स्पिन नहीं बल्कि बाएं हाथ से तेज गेंदबाजी करते हैं जबकि बैटिंग भी कर सकते हैं। बाएं हाथ का गेंदबाज होना उनके पक्ष में जाता है, लेकिन टीम उनके लिए क्या प्लान करती है ये देखने वाली बात है। अर्जुन ने रणजी ट्रॉफी से ठीक पहले दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर्स में से एक युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह से लंबी ट्रेनिंग ली थी। योगराज कड़े ट्रेनर के तौर पर जाने जाते हैं। युवराज सिंह को टॉप क्रिकेटर बनाने का श्रेय उन्हें ही जाता है। माना जा रहा है किसी बात को ध्यान में रखते हुए सचिन तेंदुलकर ने बेटे को योगराज के पास भेजा था। योगराज ने बाद में कहा भी था कि वो दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर बनेगा। हालांकि आईपीएल में क्या कुछ होता है ये तो समय ही बताएगा।